लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। ताजा मामला भागलपुर का है, जहां पर लोजपा के महानगर अध्यक्ष सौरभ तिवारी ने कहा है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अध्यक्ष पद पर से हटा दिया जाए, जिसको लेकर आज कचहरी चौक पर पशुपति पारस का पुतला दहन किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लोजपा के भागलपुर के महानगर अध्यक्ष सौरभ तिवारी ने कहा है कि पशुपति पारस जब अपने बेटा भतीजा का नहीं हो सकता तो जनता का क्या होगा, इसी को लेकर पुतला दहन कर ऐसे लोगों का बहिष्कार किया गया। हम लोगों ने लोजपा के सभी बागी का पुतला दहन किया, विशेष करके पशुपति पारस जी का पुतला दहन किया, जिन्होंने अपने स्वार्थ में अपने भतीजे के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। वो भतीजा वो भाई जिन्होंने उनको बनाया, आज उन्हीं के पीठ में इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, बीच में ही इनका कहानी खत्म। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग चिराग पासवान के साथ में रहेंगे और पूरे बिहार के जितने भी हमारे लोजपा के साथी हैं सभी चिराग पासवान के साथ। जिंदाबाद, 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 पशुपति पारस मुर्दाबाद, 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 पशुपति पारस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।